हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आपने पढ़ा चैप्टर 10 में क्लास 4 के माध्यम से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस क्या है। आज उसी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस में हम पढ़ेंगे रोडवेज, सड़कें, जो आज बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए। वो किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं, आइए जाने। Roadways. Our country has a large network. Roads. These roads are either metal, पक्के होने चाहिए, और communications का यह माध्यम है कि ये पक्के रोड हमारे ट्रांसपोर्ट के बेहद जरूरी है। Now, most roads in city and towns are metal. ये पक्के रोड सभी शहरों में पक्के हैं और इन्हें सरकार हमारे लिए बनवाती है। दे आर मेड ऑफ स्टोन। कैसे बनता है? स्टोन है, सीमेंट एंड टार। टार जानते हैं किसे कहते हैं? वो तो अलकतरा होता है, उसे अंग्रेजी में टार कहा जाता है। अनमेटल रोड आर जनरली फाउंड इन विलेज। शहरों के से ज्यादा गांव में अनमेटल रोड हमें दिखाई देते हैं। अनमेटल रोड यानी कि कच्चे रोड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड इन इंडिया आर द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के विषय में बच्चों आप जानो कि नेशनल हाईवे क्या होता है, जो एक नेशन से दूसरे नेशन तक हमें पहुंचाने में मदद करता है और एक शहर दूसरे शहर से बहुत नजदीक हो जाता है। लगता है एक पूरा देश सिमट सा गया है इस नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, जो एक एक शहर से दूसरे शहर पर जाते हैं। तो नेशनल हाईवे कनेक्ट द स्टेट और अदर भी सिटीज एंड टाउन, बट स्टेट हाईवे कनेक्ट द सिटी एंड टाउन्स ओनली। ओके, देन विद द नेशनल हाईवे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।